सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर उस्मानी दरभंगा के अयारी, कमतौल और कई घाटों पर जो विधानसभा जाले के अंतर्गत आते हैं, सभी घाटों पर जाकर निरीक्षण किया और साथ ही छठ पूजा के शुभ अवसर पर आस्था का महापर्व छठ पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी लोगों से मिलते जुलते नजर आए, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अभी जहां आप देख रहे हैं, ये भरवारा का धरोहर दिग्घी पोखर है, भरवारा नगर पंचायत में, जो लगभग 52 वर्षों से यहाँ छठ पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि नगर पंचायत भरवारा के दिग्घी पोखर पर जब मशकूर उस्मानी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, पहुंचे, तब वहां पर क्या हुआ और क्या क्या आश्वासन दिया गया, देखिए इस वीडियो में। सर, अभी जो आप जिस दिग्घी पोखर पे हैं, भरवारा का धरोहर है, और उसके बाद जो है यहाँ पर काफी गंदगी थी 2-3 वर्षों से, लेकिन नगर निगम वाले जो है कुछ सफाई किए हैं, फिर भी कुछ बच गया, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे सिंहवाड़ा प्रखंड की जनता को और खास तौर से जो लोग भी भरवारा में यहाँ पर आकर छठ पूजा मनाते हैं, उन तमाम लोगों को और पूरे जिला के और प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, त्यौहार है और त्यौहार में कुछ अगर कमी रह जाती है व्यवस्था में, तो मैंने यही कहा है कि इस पर अभी कमी पर चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन अगले बार ये कमी ना रहे, इस बात की पूरी कोशिश होगी हमारी तरफ से। अभी आप जान रहे हैं कि बिहार में बहुत वर्षों के बाद व्यवस्था बदली है, और पिछले बार जब मैं घाट पर आया था तो अभी जो सफाई आपको दिख रही है, इसका 50% भी नहीं था, ये बात हकीकत है। जी, जी, जी। और बहुत सारी वजह थी उसमें, कई बार लोगों ने कहा कोविड का मामला था, ये था, वो था। देखिए, हम एक बात जानते हैं कि जब त्यौहार होता है तो हमारी आस्था से जुड़ा होता है, उसमें हम किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आएँ, लेकिन भारतवर्ष के अंदर और ख़ासतौर से हमारे मिथिला का तो ये परंपरा रहा है कि हम लोग सब पर्व को एक साथ मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अगर इस बार कोई कमी है तो हमने सब लोगों से कहा है कि उस कमी को नोट डाउन कर लिया जाए, अगले बार छठ से पूर्व हमको विधिवत तरीके से जानकारी दें कि ये कमी पिछले बार रह गया था, उस कमी को दूर करना है। मैं खुद आऊँगा, निरीक्षण करूँगा, बात जरूरत होगी DM से बात करेंगे, ज़रूरत होगी सरकार में बात करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि चूंकि ये ऐतिहासिक स्थल है, दिघा पोखर जो है, यहाँ समझिए कि पूरे जिला के अंदर एक उसका अपना महत्व है यहाँ के छठ पूजा का, तो यहाँ पर बेहतरीन ढंग से हो, उसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और इस वक्त चूँकि महापर्व है, आस्था का पर्व है, और छठवर्ती महिलाएँ जो है वो व्रत रखती हैं, 36 घंटे तक का उनका जो है व्रत होता है, और न अन्न लेती हैं न जल लेती हैं, तो हम चाहेंगे कि वो तमाम छठवर्ती महिलाएं जो अभी व्रत रखी हुई हैं, उनसे चाहेंगे कि वो सब लोगों को आशीर्वाद दें, खासतौर से हमको भी आशीर्वाद दें और तमाम नौजवान युवा साथी को आशीर्वाद दें। देखिए, किसका कब कहाँ आशीर्वाद लग जाए कुछ पता नहीं, तो अगर सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो अगर ईश्वर ने, ऊपर वाले ने अगर कलम में ताकत दी, तो मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ क्षेत्र के लिए कर जाऊँ, यही मेरी कामना है। और एक बार और मैं तमाम लोगों को मैं ये कहूँगा कि ये सीखने का पर्व है, ये जो पर्व है, उस पर्व के अंदर हम समर्पण भाव से हम जो है पूजा करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। तो जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी पद पे बैठा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, MP हो, MLA हो, हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को समर्पण करता है। मतलब समर्पण करने का मतलब अपने आप को ज़ीरो कर देना। तो जब व्यक्ति अपने आप को ज़ीरो कर देता है, तो वो समझिए कि वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है। जब अपने आप को आप ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, जिसको भी आप मानते हो, उसके सामने अगर आपको समर्पण कर दिए, तो वही समझिए, वही आपकी जो है वो मोक्ष प्राप्ति का जरिया बनता है, उसी का रास्ता बनता है। सर, एक सवाल और है कि अभी आप दरभंगा से काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, और कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ है और कहाँ कहाँ जाना है? मैं तमाम अपने पूरे क्षेत्र में गया, कमतौल पे जितने भी घाट हैं तमाम जगह गया, अयारी गया, आपको कटका होते हुए अभी यहाँ आए हैं, आप सिंहवाड़ा जाएंगे, तो तमाम जगह जो है अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ छठ पूजा मनाया जाता है, जहाँ जहाँ बड़ा घाट है, तमाम जगह हमारी उपस्थिति रही है और आगे भी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दरभंगा लाइव। चले इन लोग।